Hello students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh Classes. Now I am going to explain you the third chapter, The Little Girl, written by Catherine Mansfield from the seventh paragraph. So in the sixth paragraph, in the end of the sixth paragraph, I discussed you that how the father scolded the little girl, and finally she was sent to her room to go to bed. पिताजी ने डांटा और उसको फिर उसको अपने कमरे में जाने के लिए कहा, सोने के लिए कहा. Now father, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और चूंकि वो लड़की डरी हुई थी, उसको डांट मिला था, तो बताने के समय, इस समय उसको बता रही थी कि मैंने क्या किया है, अधिक चिल्लाते हुए वह जाकर के एक शैडोड रूम में, छायादार कमरे में लेट जाती है. और लेटे लेटे जो शाम का जो प्रकाश होता है, उस समय में उसके लिए दुख भरा प्रकाश था. शाम का जो प्रकाश होता है बिल्कुल धूमिल होता है, और वो छोटे छोटे जो फ्लोर के ऊपर में, फर्श के ऊपर में जो चित्र बन रहा है, उसको चुपचाप बैठे बैठे बनाती है और देखती है. Their father came into the room with a ruler in his hands. यही नहीं हुआ, पिताजी इतने गुस्से में थे कि डांट के उसको बोले जाओ अपने कमरे में, फिर पीछे से वो पहुंच जाते हैं एक छड़ी लेकर के उसके कमरे में. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, he said. और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने आया हूं. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. ओ नहीं नहीं, चिल्लाहट के साथ उसने सोने के कमरे में जहां थी वो कपड़ों में अपने आप को छुपा लिया, बेडशीट के अंदर छुपा लिया अपने आप. He pulled them aside, वो उसको खींच करके बाहर निकाले. Sit up, he ordered, बोले कि बैठ जाओ. And hold your hands, और अपना हाथ बाहर निकालो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुमको आज हमेशा के लिए सिखाया जाएगा तो उन सारी चीजों को नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारे मतलब का नहीं है. But it was for your birthday. लेकिन यह तो आपके जन्मदिन के लिए था, आपके बर्थडे के लिए था. Down came the ruler on her little पिंक पाम्स. और तब तक पिताजी ने उसकी जो पिंक पाम से गुलाबी हथेली थी छोटे बच्चे की, उस पर छड़ी से पिटाई कर दी. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद जब दादी उसको शाल में लपेट ली और आराम कुर्सी पर बैठा दिया और हिलाना शुरू किया, तब बच्ची ने क्या किया कि माँ के नर्म, दादी के नर्म शरीर से लिपट गई. उसको लगा कि एक दादी ही मेरी सहारा है. What did God make fathers for? She shot. और वह सिसकियां लेते हुए बोलने लगी, भगवान ने पिताजी क्यों बनाया है? Here is a clean hanky, darling. वह बोलती है, प्रिय एक साफ सुथरा रुमाल है. Blow your nose, अपना नाक साफ कर लो. Go to sleep, और सो जाओ. Pet, you will forget all about in the morning, और सब जब सुबह हो जाएगा तो तुम सब कुछ भूल जाओगे. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पिताजी को समझाने का बहुत प्रयास किया, दादी बोल रही थी, लेकिन वो इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने रात में कुछ भी नहीं सुना मेरी बात को. But the child never forgot. लेकिन ये बच्ची कभी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार से जब भी वो अपने पिताजी को देखती थी तो जल्दी से दोनों हाथ पीठ के पीछे रख करके और उसके जो गाल थे
उस पर गुलाबी रंग आ जाता है, या डर करके चेहरा लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। उसके घर के बगल में, पड़ोसी घर में मैकडोनल्ड का परिवार रहता था और उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो वह क्या किए कि फेंस से जो बाड़े थे उसमें से झांक करके जब देखे शाम के समय में, तो देखेगी सारे बच्चे जो है खेल रहे हैं टैग करके आपस में, रस्सी खेल रहे हैं बांध कर। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। और यही नहीं देखा, उसने देखा कि पिताजी के कंधे पर उसकी छोटी सी बच्ची थी माओ, और दो छोटी लड़कियां उसके पिताजी के अपने कोट की जेब से लटक रही थी, और इर्द गिर्द में जो फुलवारी थी उसमें चक्कर काट रही थी ये सारे और हंस रही थी। ऐसा देख करके वो कंपेयर कर रही थी कि मेरे पापा कैसे हैं और इन बच्चों के पापा कैसे हैं जो साथ साथ खेल रहे हैं। वंस शी सॉ द बॉय टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाउन। एक बात, उसने लड़कों को पापा की ओर नाली के द्वारा पानी डालते हुए देखा, लेकिन उसने उन्हें सारा समय हंसते हुए पाया, कभी गुस्सा नहीं करते हुए पाया कि पापा कभी गुस्सा नहीं करते हुए देखे। Then it was she decided there were different sorts of father. तब उसके दिमाग में एक डिसीजन आया, एक निष्कर्ष निकला कि पिताजी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। Suddenly one day mother became ill. लेकिन ऐसा होता है कि एक दिन अचानक माँ बीमार हो जाती है। And she and grandmother went to hospital. और वो छोटी लड़की और दादी हॉस्पिटल में, अस्पताल में माँ को देखने के लिए जाती है। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. और फिर उस छोटी सी लड़की को एलिस के साथ, या एलाइस के साथ जो कुक है, रसोई बनाने वाला है, उसके साथ छोड़ दिया जाता है। That was all right in the daytime. दिन में तो सब कुछ ठीक लगता था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन रात के समय जब एलिस उसको सुला रही थी, जो कुक थी, तो वह अचानक डर गई। वो छोटी बच्ची डर गई, क्योंकि वह मम्मी पापा के साथ नहीं थी, न दादी के साथ थी। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा, एलिस से पूछा कि अगर मुझे सपना आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी। I often have nightmares and then granny takes me into her bed. मुझे अक्सर सपने आते हैं और तब दादी माँ अपने बिस्तर पर हमें ले जाती है। I can't stay in the dark. मैं इस अंधेरे में नहीं रह सकती हूं। It all gets whispery. यहां तो लगता है कोई कानाफूसी कर रहा है। You just go to sleep, child, said Alice. एलिस ने कहा कि तुम केवल सो जाओ बच्चे, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और ध्यान रखना पुलिंग ऑफ योर सॉक्स, और अपने जो मोजे हैं सॉक्स से उतार दो, और देखो वो भी उसको एक इंडिकेशन देती है कि चिल्लाकर कुछ भी मत करना, नहीं तो पापा तुम्हारे जग जाएंगे। उसको डराती है पापा से। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर की, लेकिन फिर वही सपना आ गया। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, सपने में कौन आया, एक कसाई आया अपने साथ एक चाकू और रस्सी रखे हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, वो नजदीक आते जा रहा है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और भयानक हंसी के साथ आ रहा है नजदीक। वो सारा सपना देख रही बेचारी लड़की। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, अब तो वह चल भी नहीं सकती थी, केवल खड़ी थी, हो गई एक जगह पे और चिल्लाना शुरू किया, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसने बिस्तर के पास अपने पिताजी को मोमबत्ती हाथ में लिए देखकर कांपने लगी।
बोले कि मैं तो दादी को पुकारी और पिताजी जग गए और पिताजी कैंडल लेकर के आ गए मेरे बिस्तर के बगल में खड़े. व्हाट्स द मैटर ही सेड. वो पूछने लगे बात क्या है. तब बताई उसने ओ अ बूचर नाइफ आई वांट ग्रैनी. और वो बोलने लगी कि एक कसाई है एक चाकू है मुझे दादी माँ चाहिए मुझे दादी माँ से मिलना है. ही ब्लू आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. तो उसके पिताजी क्या किए वो नीचे झुके उसने मोमबत्ती को बुझाया और बच्ची को अपने आर्म्स में बाह में उठाया और बड़े से कमरे में शयन कक्ष में ले गए अपने साथ उनको लेके चले गए उसको गोद में. अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड. बेड के ऊपर में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. ही पुट अवे द पेपर. उसने पेपर को किनारे किया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड और धीरे से बच्ची को लिटा दिया. ऐसा उसने किया. ही ले डाउन बिसाइड हर और वह खुद भी पिताजी खुद उसके बगल में सो गए. हाफ एस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. और ऐसा लग रहा था कि अभी भी वह आधे नींद में है और उसने देखा कि कसाई की हंसी केजिया को अभी भी तंग कर रही है. तो वह पापा के और नजदीक आए और सट करके अपना सर जो है पापा के बाह में डाल दी. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म. स्नगल्ड का मतलब आराम से. वह अपने सिर को पापा के बाह में डाल दी. हेड टाइटली टू हिज शर्ट और जोर से उनके शर्ट को कमीज को भी पकड़ ली. देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल. अब अंधेरे का कोई मीनिंग नहीं था यहां पर क्योंकि उसको सुरक्षा लग रहा था और वह शांत लेट गई. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर. पिताजी ने कहा अपने पैरों को मेरे पैर से रगड़ो और इसको गर्म करो क्योंकि ठंडे का मौसम. ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. और थके होने के कारण वह क्या किए कि वह उस छोटी सी लड़की के पास वो भी सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. उसके अंदर भी एक मुस्कान सी भरी हुई एक भावना भी जन्म ले. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. आखिरकार ये मेरे इतने अच्छे जो पिताजी हैं वो इतने बड़े नहीं हैं. मैं इनको राक्षस जैसा समझती थी देखती थी. आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. और इनको तो अभी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है सिर्फ मैं हूं. मम्मी तो है नहीं मम्मी बीमार है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. वो तो दादी माँ से भी सख्त थे. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. लेकिन उनकी शक्ति अच्छी थी. अब उस बच्चे को अंदर में समझदारी आ गई जैसा कि स्टोरी के स्टार्ट में बताया गया ना कि पहले भय और भय से फिर समझदारी. तो अब भय समझदारी में बदल गया. उसको समझ में आ गया कि नहीं पिताजी हमारे माँ से दादी से सख्त है लेकिन वो अच्छे हैं. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड. और वो उसको ये भी समझ में आने लगा कि मेरे पिताजी चूंकि बहुत मेहनत करते हैं बहुत परिश्रम करते हैं इसलिए उनको मैकडोनाल्ड बनना बड़ा मुश्किल है. मैकडोनाल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ खेलना उठना बैठना इसे मुश्किल लगता है. शी हैड टॉर्न अप ऑल दिस ब्यूटीफुल राइटिंग. और यही नहीं उसने एक गलती तो की थी कि उसकी सुंदर सुंदर लेखनी जो थी पिताजी की उसको उसने फाड़ भी डाला था और इसीलिए पिताजी बहुत सख्त हो गए थे. सी स्टेड सडनली एंड साइड. और ऐसा सोचते सोचते अचानक वह कंपित हो जाती है उत्तेजित हो जाती है और गहरी सांस भरती है आह लेती है. तब तक उसके पिताजी ने पूछा जब ऐसा करती है थोड़ी कंपन हो जाता है उसके शरीर में थोड़ा उत्तेजित हो जाती है और गहरी सांस लेती है तो पिताजी फिर जग जाते हैं और पूछते हैं व्हाट्स द मैटर अनदर ड्रीम. क्या बात है कोई दूसरा सपना आया क्या. ओह सेड द लिटिल गर्ल. छोटी सी लड़की ने कहा नहीं. ओह माय हेड्स ऑन योर हार्ट. मेरा सिर आपके दिल पर है ना. मैं इसे आई कैन हियर इट गोइंग. मैं इसके दिल आपके दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट.
आपका कितना बड़ा सा दिल है फादर डियर, पिताजी, प्रिय पिताजी, आपका कितना बड़ा दिल है, इसके दिल की धड़कन मैं सुन रही थी इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कह के वो कहानी, ये कहानी खत्म हो जाती है. दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. सो नाउ यू हैव कम टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोरी. द मीनिंग ऑफ द स्टोरी इज दैट एज वी ग्रो अप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स द रिएक्शंस ऑफ आवर पेरेंट्स grandparents and we get satisfied with the reactions. We come to the conclusion whether the reaction of the parents are correct or incorrect. So my dear students, this is the end of the story. Bye bye.